इंदौरी बैग की सभी को राम राम है। तो आज हमारे पास आ गई है फायरबोल्ट की कमांडो एडिशन की स्मार्ट वॉच। भाई साहब दिखने में जो वॉच है बहुत ज्यादा लग रही, तुम्हारे भाई ने हाथ में पहन रखी, दिख रही होगी तुम्हें ये, और भगवा कलर अलग ही नजर आ रहा है, एकदम चमकता हुआ। और यहाँ पर जो डिजाइन है वो कहीं ना कहीं रगेड लुक वाला आपको देखने को मिलता है। फटाफट से डिटेल में बात करेंगे इस वॉच के बारे में, और उससे पहले अपन डब्बे पर नजर डालते हैं कि डब्बे पे क्या कुछ दे रखा है। तो डब्बे पे आपको ब्रांडिंग दे रखी है, धोनी भाई का मस्त फोटो लगा हुआ है यहाँ पर, पीछे कुछ की हाईलाइट दे रखी है। कंटेंट पैकेज की बात करें, सबसे पहले आपको मिल जाती है एक मैनुअल, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा एक साल का, इसको QR कोड स्कैन कर लेना, कुछ गिफ्ट कार्ड मिल जाते हैं फायरबोल्ट के, वो देख लेना आपको समझ में आया तो कर लेना। बाकी आपको मिल जाएगी चार्जिंग केबल पोको पिन वाली और आपकी मेन वॉच। अब मेन वॉच कैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये याद होगी ना कोबरा आपने जो दिखी थी वॉच आई थी फायरबोल्ट की, वैसी कुछ डिज़ाइन है, मतलब डिज़ाइन आपको ऑलमोस्ट वैसा ही देखने को मिलता है, और जो फील है जो लुक है वो काफ़ी सॉलिड कहीं ना कहीं लगता है। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में मतलब आपको ये वॉच जो है कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर हल्का सा एडिशनल चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मेरे पास जो कलर आ रखा है ये है ऑरेंज, प्लस इसके साथ जो आपको गोल्ड वाला थोड़ा सा टेक्सचर देखने को मिलता है। साइड में आपको दो बटन दे रखे हैं और दोनों ही पुश बटन है। यहाँ पे जो ऊपर वाला वो रोटेटिंग क्राउन की तरह नजर आएगा आपको, बट वो एज अ रोटेटिंग क्राउन वर्क नहीं करता है, दोनों ही जो है फिजिकल पुश बटन की तरह काम करते हैं। नीचे वाला भी सेम उसी तरीके से काम करता है। बाकी अगर इस अदर साइड देखते हो तो यहाँ पे आपको जो है माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल वगैरह देखने को मिल जाती है, और बैक पे तो आपके सेंसर वगैरह दे रखे हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। स्ट्रैप्स की बात करूँ तो स्ट्रैप जो इन्होंने 22mm वाले यूज कर रखे हैं, और ऐसा नहीं कि आप उसको निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है चेंज करना है मुझे, तो आप बिल्कुल इसको चेंज कर सकते हो। दूसरे आपको डिफरेंट टाइप के लगाना है, मैग्नेट्स लगाना है मैग्नेट वाले लगा सकते हो, क्लासिक लुक वाले लगाना है तो क्लासिक लुक वाले लगा सकते हो। तो सभी तरह के ऑप्शंस आपके यहाँ पे अवेलेबल है, कि यहाँ पे जो पिन वाला लॉक सिस्टम दे रखा है वो काफी इजी हो जाता है कहीं भी बेल्ट वगैरह चेंज करना आपको वॉच में। बाकी टॉप पे जो है मस्त एकदम टफ ग्लास आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, जो कि लुक एंड फील काफी सही बनाया है वॉच का है। मतलब दिखने में तो वॉच बहुत अच्छी लग रही है। और रिस्ट साइज को लेकर अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी रिस्ट साइज मीडियम और उससे हैवी है तो आपके लिए बेस्ट रहेगी, थिन रिस्ट वालों के लिए मैं उतना पर्सन इस वॉच को रिकमेंड नहीं करूंगा। बट मेजर बातचीत देखो वॉच में आती है डिस्प्ले को लेकर। 1.95 इंच का जो है उन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले यूज कर रखा है, जो कि दिखने में काफी सही लग रहा है। और एमोलेड है, सबसे खास बात याद है कि एमोलेड डिस्प्ले के चलते आपको ब्लैक्स बहुत प्रॉपर देखने को मिलते हैं, कलर्स काफी पंचोड़ होकर बाहर आते हैं। और यहाँ पे जो पिक्सल रिजोल्यूशन उन्होंने यूज कर रखा है 410x502 का, वो और भी ज्यादा अच्छा बना देता है, शार्पनेस कहीं ना कहीं आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो उस केस में जब आपने फोटो वगैरह आप लगाओगे तो बहुत प्यारा नजर आता है। तो मेरे को ऐसे डिस्प्ले से कोई कंप्लेन नहीं है, ब्राइटनेस भी आपको मोर देन इनफ मिल जाती है। आउटडोर एक्सट्रीम सनलाइट में भी अगर आप यूज करोगे देखोगे तो वॉच आपको विजिबल हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे वेगेस्टर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, और इवन इसमें आपको AOD मिल जाएगा, दो AODs मिल जाते हैं, एक डिजिटल वाला और एक एनालॉग वाला। तो दोनों AODs आप अप्लाई कर सकते हो, सेटिंग में जाकर सारे फंक्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे। अब बाकी सारी सेटिंग पहले आपको एनेबल करना पड़ेगी, उसके बाद ही आपका जो है वो AOD अपियर होता है यहाँ पर। अब रही बात दूसरी चीजों को लेकर, जैसे कि वाटर रेटिंग होगी, तो ये IP67 रेटेड है। तो जैसे अगर आप बारिश में जा रहे हैं या फिर नॉर्मल शावर वगैरह में आपने पहन रखी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विमिंग पूल वगैरह के लिए उतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है, अगर स्विमिंग पूल वगैरह में आप कूद रहे हैं इस वॉच को लेकर, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ना जाएं, उसको उतार के जाएं, तो खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। हाँ, स्विमिंग पूल में ऊपर ऊपर अगर आप फ्लोट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडर वाटर आप जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कंसर्न बन जाता है। बाकी बैटरी परफॉर्मेंस देखो, 300mAh की बैटरी लगा रखी है इन लोगों ने यहाँ पे, तो बैटरी परफॉर्मेंस में आपको कहना कि थोड़ा सा बेहतर वॉच एक्सपीरियंस दे सकती है। तो ये मांगा जाता है कि 4-5 दिन आपकी चल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल कॉलिंग वाला फंक्शन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, बट कॉलिंग फंक्शन यूज करोगे तो अप टू 2 डेज की परफॉर्मेंस आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वॉच से। बाकी जो सेंसर वगैरह दे रखे हैं पीछे की तरफ, आपके HR हो गया, S22 हो गया, एक्सट्रीमीटर सेंसर, तो ऐसा वो तो आपको यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है। मतलब जो बेसिक सेंसर हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। बट मेजर कंसर्न बताया वॉच में क्या हो जाता है, फायरबोल्ट की स्पेशली मैं पर्सनली बात करता हूँ, तो यहाँ पर UI वाली चीज़ कहना कि थोड़ी सी बेहतर होना चाहिए, और वो चीज़ मुझे यहाँ पर वॉच में नजर आई। UI पे काम किया तो डिफरेंट UI के साथ यहाँ पर आपको ये वॉच देखने को मिलती है। तो ऊपर से आप स्वाइप अप करोगे तो आपको टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका कॉलिंग हो गया, आपका डिफरेंट मेन्यू स्टाइल का टॉगल दे रखा है, ब्राइटनेस दे रखा है, कार्ड वगैरह का ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है। नीचे से करने पर आपके मैसेज वगैरह रीड हो जाते हैं। साइड से अगर आप देखेंगे तो आपकी एक्टिविटी, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, वेदर इन्फॉर्मेशन, प्लस अपने हिसाब से कुछ आप ऐड भी कर सकते हो। और साइड से करने पे आपको यहाँ पर जो है आपका मेन जो आपने रिसेंट चीज़ें खोल रखी वो नजर आ जाती है, प्लस आपका पूरा मेन्यू नजर आ जाएगा जहाँ पर आपकी सारी एप्लीकेशन जो है वॉच की अवेलेबल कर रखी है। अब यहाँ पर डिफरेंट से मेन्यू स्टाइल की से बात करें कि UI को थोड़ा सा और बेहतर दिखाने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंट जो है मेन्यू स्टाइल दे रखे हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मुझे पर्सनली लिस्ट वाला इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि कुछ भी फीचर या एप्लीकेशन को आपको एक्सेस करना है तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। तो ऐसे मुझे UI में कोई दिक्कत नहीं लगी, मतलब स्मूथ भी वर्क कर रही है, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह और जो कलर्स वगैरह भी हैं वो UI के आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब बात जब वॉच की फंक्शनैलिटी को लेकर आती है, तो यहाँ पर आपको 123 स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड कर रखे। अब 123 स्पोर्ट्स मोड मतलब ये कि आप डिफरेंट एक्टिविटी करने जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो,
आप अगर जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो आप इस मोड्स का यूज कर सकते हो। इन मोड्स के यूज करने से बेनिफिट ये होता है कि आपको प्रॉपर दिख जाता है कि आपने कितने टाइम में कितनी कैलोरीज बर्न कर रखी। तो ट्रैकिंग कहीं ना कहीं हेल्थ ट्रैकिंग पर्पज से ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर चीज़ है। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप मोड्स जो दे रखे हैं उनका यूज करें। क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट के टाइम पर यूज करो, फुटबॉल खेल रहे हो फुटबॉल के टाइम पर यूज करो, आपके ही काम आएगी, आपको डाटा जो थोड़ा सा बेहतर प्रोवाइड करेगी यहाँ पे। बाकी तो आपके यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग वाली चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि अगर आपका SPO2 हो गया, आपका HR हो गया, आपके जो मोशन ट्रैकिंग होती है जिसकी हम लोग बात करते हैं कितने स्टेप्स हमने चला है, तो वो भी आपको वॉच में अवेलेबल कर रखा है। और उसकी रीडिंग्स को लेकर जब भी बात आती है तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जो वॉच है वो टेंटेटिव आइडिया प्रोवाइड कर देती है, बट अगर आपको हेल्थ को कंसर्न है, ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, तो आप प्लीज़ मेडिकल ग्रेड इक्विपमेंट यूज़ करो, वो आपको ज़्यादा बेहतर रीडिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अब रही बात दूसरी चीज़ों को लेकर, तो स्लीप मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है, साथ ही आपको यहाँ पे शटर का सपोर्ट दे रखा है, यानी कि सेल्फीज वगैरह क्लिक करनी तो आप इसको रिमोट के तौर पर यूज़ कर सकते हो, म्यूजिक प्लेयर दे रखा है तो आप अपने ट्रैक्स वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ पर AI वॉइस असिस्टेंट का मिल जाता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर अपने फोन पे कमांड देनी है तो आप वॉइस असिस्टेंट को यहाँ से वॉच से वेक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। सेटिंग में चलते हैं, डिस्प्ले देखने को मिलता है, डिस्प्ले सबसे बड़ा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ब्राइटनेस, स्लीप, वॉच फेसेस और मेन्यू व्यू का जो है, और रिस्ट रेस की हम लोग बात करते हैं जिसको वेक गेस्चर बोलते हैं, वो भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हो। वाइब्रेशन और रिंगटोन्स वगैरह आपको बढ़ानी हो या वाइब्रेशन ही आपको चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, इवन रिंगटोन बजानी है तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पर इंटेंसिटी का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इसके जो फीडबैक है ना वाइब्रेशन का काफ़ी अच्छा मिल जाता है। DND मोड है, लो पावर मोड है, आपको यहाँ पर AOD के से मैंने बात की थी वो आपको हमें प्रोवाइड कर रखा है, उसको एनेबल कर सकते हो यहाँ पर से। साथ में यहाँ पे कैलकुलेटर भी दे रखा है, तो आप ऑन गो चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो अपनी वॉच के अंदर, तो ये थोड़ी सी एक एसेंशियल चीज़ हो जाती है और ऑलमोस्ट आजकल सब वॉचेज में मिलता ही है, तो ये मिलना अच्छी बात ही है और यहाँ पे आपको वो भी प्रोवाइड कर रखा है। बाकी इससे अगर आप मोर में चलोगे तो यहाँ पे आपका टाइमर हो गया, अलार्म हो गया, स्टॉपवॉच जो बेसिक आपको चाहिए होता है ना, तो वो तो आपको यहाँ पर दे रखा है। बाकी अगर आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग के हिसाब से जो है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैक करना हो तो अगर फीमेल परचेस कर रही है तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी दे रखा है और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, और मेरे हिसाब से जो ये AMOLED डिस्प्ले कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा, और फ्लैश लाइट वाली चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्टिवली आपके काम भी आ जाती है, बहुत अंधेरे वाले इलाके में तो आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है फाइंड माय फोन का ऑप्शन, तो इनके से अगर आपका फोन कनेक्टेड है आपकी वॉच से तो आप उसको ढूंढ सकते हो वॉच पे कमांड देके, यानी कि जो फंक्शन इसको टैप करके। तो यही कुछ आपको फीचर्स और फंक्शन जो है वॉच में देखने को मिल जाते हैं। जो कॉलिंग वाली चीज़ है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपको कॉलिंग वाला फीचर मिलता है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें बेसिक होती हैं, तो आपको फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, आपका डायल पैड और कॉल हिस्ट्री, वो तीनों आपको अवेलेबल कर रखें, और फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह की हम लोग जब बात करें तो आप उसको एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हो। बट मेजर कंसर्न क्या होता है कि क्वालिटी कैसे मिलने वाली है कॉल के टाइम पे, तो फटाफट से एक बार टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो वॉच के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहे हो, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस वॉच देगी जब भी आप इसको कॉलिंग के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। अब इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, वॉच फेसेस वाला पार्ट। काफ़ी लोग सवाल करते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉच फेसेस तो एप्लीकेशन में दे रखे बट खुद के भी लगा सकते हो। तो एप्लीकेशन जो है वो इनकी दाफिट करके, और दाफिट एप्लीकेशन में आप जानती हैं फ्रंट में सारी इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है। वॉच फेस वाले सेक्शन में आप जाओगे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस अवेलेबल कर रखे हैं। खुद का फोटो लगाना तो फोटो भी लगा सकते हो, और दिखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो फोटोज वगैरह लगा के आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। साथ में आपको सेटिंग्स दे रखी है, और भी बहुत सारे रिमाइंडर्स हैं, अलर्ट्स हैं, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स आपको ऐड करना है, तो वो आप सारी चीज़ें एप्लीकेशन में से कर सकते हो। बट मेजर सवाल कहाँ उठ के आता है कि जो प्राइसिंग रखिए, जो कंक्लूजन हम लोग इसके डिवाइस की बात करते हैं, तो देखो इस पर्टिकुलर प्राइस पे जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, अगर आप इस वॉच को खरीद रहे हो तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन है। जिनको थोड़ा सा आर्मी लोग या फिर मिलिट्री टेस्ट वाली चीज़ ज़्यादा पसंद में आती तो उनको कहीं ना कहीं वॉच ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर जो कुछ कलर्स डिफरेंट प्रोवाइड कर रखे हैं, जो मिलिट्री वाले कलर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ये वाला जो कलर है ये आई थिंक यूनिवर्सल कलर है जो मेरे हिसाब से सब पहन सकते हैं। फंकी भी थोड़ा दिखता है क्योंकि ऑरेंज वाला जो बेल्ट उन्होंने लगा रखा है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे बेल्ट डिजाइन और लुक को लेकर ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है। अभी इस प्राइसिंग पे कहते तो मैं आपको कहूँगा कि आप खरीद लो, नीचे लिंक दे रखिए। बट प्राइसिंग अगर इनकेस बढ़ती है तो फिर आपके पास और भी ऑप्शंस बन जाते हैं, तो फिर वो आप ऑप्शंस हमारे चैनल पर देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं स्मार्ट वॉच के, चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको पसंद आ रही है। बाकी इस वाले वीडियो के लिए आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो पे लाइक मार देना फटाफट से, और भाई को जो प्यार सपोर्ट है जो आगे देना है आपको वो लाइक के थ्रू मिलेगा, तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करना, ये कमेंट आता है तो खुशी मिलती है। बाकी नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबाते जाना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेट इन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।